तो हिंदी में स्क्रिप्ट राइटिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज दूसरी क्लास है और चलिए रामचंद्र जी कुछ बताइए अपने बारे में। ओ आप नेपाल से हैं? कहाँ से नेपाल में? हेलो पल्लव जी, लुम्बिनी से। अच्छा अच्छा, लुम्बिनी तो मैं आया हुआ हूँ, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली। मैं वहाँ 2012 में आया था, बहुत अच्छी जगह है, दोबारा आने का बहुत मन है। हमारी इंग्लिश वाली स्क्रिप्ट राइटिंग क्लास में आई थिंक 3 स्टूडेंट्स नेपाल के आए हैं अब तक, जिसमें से एक फीमेल और 2 लड़के मेल। तो आप ये मिस्टर चौहान, आप बताइए अपने बारे में कुछ। ये जो मिस्टर चौहान आप दाढ़ी वाले रेड कलर की टी शर्ट है, आप बताइए अपने बारे में कुछ। आप कहाँ से हैं? आपका नाम? मैं गुजरात से। आपका आप, अच्छा तो आप गुजरात से ही है या गुजरात में काम करते हैं? नहीं मैं गुजरात से। अच्छा गुजरात से। आपका शुभ नाम? महेंद्र चौहान। अच्छा तो वेलकम टू दिस क्लास ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग। तो महेंद्र जी आपने स्क्रिप्ट राइटिंग में अब तक कुछ किया है या अभी करने का ही सोच रहे हैं? नहीं अभी किया है लेकिन अभी कुछ पढ़े नहीं पड़ा है सर। मतलब क्या किया? गुजराती में कुछ कार्यक्रम? गुजराती में मैंने एल्बम किए। एल्बम करी? अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। क्या म्यूजिक एल्बम? हमारी इंग्लिश वाली क्लास में एक राइटर है जो कि आते हैं, ऑलरेडी उन्होंने वेब सीरीज भी लिखी है और उन्होंने पोएट्री की बुक भी लिखी है, जयेश जोशी उनका आई थिंक नाम है, तो वो काफी रेगुलर है। तो वेलकम टू द क्लास। चलिए पहले वाली क्लास का, तो आप राम कुमार जी आप क्या करते हैं? अच्छा तो आपका स्क्रिप्ट राइटिंग में इंटरेस्ट है? मैं आपको बता दूं और सब लोग जो वहां पर देख रहे हैं मैं बता दूं, नेपाल के भारत के जो 2 फिल्म इंस्टीट्यूट है FTII और SRFTII, वहां पर 2 सीटें रिजर्व होती है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए और बहुत कम होता है कि किसी दूसरे देश के स्टूडेंट्स यहां पर आए और पढ़े, क्योंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। पर नेपाल के बहुत से स्टूडेंट्स FTII और SRFTII जाते हैं। संजय चतुर्वेदी बहुत बड़े साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं, अभी तो वो इंडियन नेशनलिटी उनको मिल गई है, वो नेपाल से हैं। मेरे फ्रेंड है मनोज तिवारी है, वो नेपाल से है। मनोज श्रीवास्तव है, वो नेपाल से है। धीरेन्द्र शुक्ला है, वो नेपाल से है, वो भी सिनेमाटोग्राफर है। और एक मिस्टर तिवारी हैं, वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड के फ्रेंड है, मैं नाम को याद नहीं आ रहा, लेकिन वो नेपाल में जाके काम करने लगे, वो साउंड रिकॉर्डिस्ट है। और बहुत से स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 सीटें वेकेंट होती है, गवर्नमेंट की सब्सिडी, गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है वो भी मिल जाती है, लेकिन काम उसके बाद जो करना है वो चाहे आप फिल्म इंस्टीट्यूट से हो चाहे ना हो, वो काम तो आपको जाके यहाँ पर म्यूट कर दीजिए, अपना म्यूट कर दीजिए, ये मिस्टर चौहान आप म्यूट कर दीजिए। तो काम तो आपको वहां जाकर करना ही पड़ता है, और एक सेकेंड आपको म्यूट करना होगा क्योंकि डिस्टर्बेंस आ रही है ना, आप म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए मिस्टर चौहान, आप म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है। हाँ म्यूट का ऑप्शन होगा ना, म्यूट कर दीजिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो काम तो करना ही पड़ता है, एक म्यूट कर दीजिए, आपका म्यूट कर दीजिए, म्यूट नहीं हुआ है। हाँ सर म्यूट कर देता हूँ, ऑप्शन में से निकल गया इसके लिए। हाँ कर देता हूँ, कर दीजिए फिर मैं शुरू करता हूँ क्लास। नहीं हुआ, चलिए आवाज तो खैर नहीं आ रही है, से म्यूट नहीं हुआ है एनीवे। लेकिन तो अगर आप वहां से भी आप करते हो, कोर्स भी करते हो, तो मेहनत तो पूरी आके करनी पड़ती है, ये है।
तो वेलकम टू द सेकंड क्लास। पल्लव जी आज आए हैं और हमारे बीच है, और काफी सीनियर थिएटर आर्टिस्ट है, उड़ीसा से हैं और कई सालों से थिएटर कर रहे हैं। और वहाँ का जो लोकल थिएटर है, और वहाँ के लोकल थिएटर के साथ और लोकल लोगों के साथ काफी काम करते हैं, और हमें भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पिछली वाली क्लास का वीडियो नहीं बन पाया, आप कुछ कह रहे हैं पल्लव जी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। नमस्ते। तो पिछली वाली क्लास का तीसरा वीडियो मैं आज कहीं गया था, दो वीडियो पहले बनाए थे, वो दोनों वीडियो ठीक से बने नहीं। फिर मैंने एक तीसरा वीडियो बनाया, और वो तीसरा वीडियो अभी मैंने चेक नहीं किया है, मतलब तीसरी बार मैंने वीडियो बनाया, बनेगा तो मैं आज उसे अपलोड कर दूंगा, फर्स्ट क्लास का वीडियो। तो कल परसों जो मैंने क्लास ली थी, पहली क्लास थी, उसमें कुछ बातें मैंने बता दी थी, और उस पे मैंने सबको बताया था कि आपको अपने आइडिया को जो खोजना है उसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक, नए राइटर हो, कोई बड़े बजट के आइडिया मत लिखो, छोटे बजट के आइडिया लिखो, कॉमेडी लिखो, ड्रामा लिखो। अभी एकदम से नए राइटर एक्शन लिख रहे हो, या फिर आप हॉरर सोच रहे हो, या फिर आप साइंस फिक्शन सोच रहे हो, तो वैसा मत सोचो, ड्रामा लिखो। ड्रामा इन द सेंस, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि ज्यादातर हमारी जो हिंदी फिल्में होती है वो ड्रामा जॉनर में होती है। तो ये जवंत हमारे साथ हैं, आप वीडियो पे आएंगे जवंत और अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ओके, तो आइडिया आपको चूज करने हैं, या तो आपके लोकल आइडियाज हो, और इस सबके बारे में मैं बता चुका हूं। दूसरा, अब एक चीज और देखिए कि आइडियाज ऐसे हो या आपके पर्सनल हो। अभी एडेप्टेशन करना, दूसरे की किताब से लेना या दूसरे के नॉवल से लेके लिखना, वो ना करें, क्योंकि वो मुश्किल भी है। वो लगता आसान है लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा ये कि उसमें कॉपीराइट के इश्यू बहुत होते हैं, उसमें लीगल इशू बहुत है। तो चलिए, मैं आप और इसके आगे आपको कुछ बताना चाह रहा था। ये थोड़ा सा अलग हटके विषय है, पर मुझे लगता है कि शुरुआत में ये बता दूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं एज ए स्क्रिप्ट राइटर, एज ए डायरेक्टर, या फिल्म्स में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप मौज मस्ती में क्लास लेना चाहते हैं या वीडियो देखना चाहते हैं तो ना देखें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया मैं इसको शौकिया तौर पे लूंगा, तो ना लें, ना देखें, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये करियर को बनने में सालों साल लग जाते हैं। ये करियर करियर नहीं, एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, और मैं पहले भी अपनी फर्स्ट क्लास से मैंने जो बताई थी वो ये थी कि अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, और अगर आप डायरेक्ट फिल्म में काम नहीं कर रहे और फिर भी आप सोच रहे हैं कि मैं लिखूं, और कल को चलो मैं 2 साल 3 साल लिख कर मैं जाके फिल्म में अपने प्रोजेक्ट को रखना शुरू करूं, पेश करना शुरू करूं, डायरेक्टर से मीटिंग करूं, तो अपना एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम का, अपने रेवेन्यू का कहीं से पैसा आपके पास आता रहे, वो सोर्स आपको रखना ही पड़ेगा। उसके बिना ये एक आर्ट फॉर्म है, ये बिजनेस है बाद में, सबसे पहले ये एक आर्ट फॉर्म है। एज एन आर्ट फॉर्म इसको डेवलप होने में टाइम लग सकता है। आप यूट्यूब के लिए बना सकते हैं बहुत चीजें। आप आजकल देखिए कि जो टीवी के अंदर न्यूज आती है उसमें वो लोग रिक्रिएट करते हैं और बहुत अच्छा शूट करते हैं, बहुत अच्छे तरह से स्टोरीज को रखते हैं। वैसी स्टोरीज करने के लिए आपको राइटर बनने की इतनी जरूरत नहीं है। और वो अगर आप जॉब में जाते हैं तो आपको पैसा भी जल्दी मिलेगा और तरक्की भी जल्दी मिलेगी, बट उसको आप राइटिंग की कैटेगरी में नहीं रख सकते। एक राइटर को, और आज की डेट में खास करके जब वेब सीरीज आ गई है, तो आपका मुकाबला, या मैं मुकाबला अगर गलत शब्द है, तो आपका जो कंपैरिजन है वो पूरा इंटरनेशनल राइटर्स के साथ हो रहा है, और उन लोगों का सेटअप बहुत स्ट्रांग है। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि एक राइटर बनने में 10 साल का समय लग जाता है,
देखिए आज दूसरी क्लास है, कल क्लास नहीं थी, कल संडे था। आज रामकुमार आए हैं जो कि फर्स्ट टाइमर हैं, पल्लव जी आए हैं, सिर्फ दो लोग अभी फिलहाल हैं, एक और आए थे, दो आए और चले गए, और लगभग 20 लोगों को तो मैंने पर्सनली ये मैसेज भेजे और कई लोगों ने फेसबुक पे देखा है। तो पल्लव जी क्यों आए? क्योंकि वो ऑलरेडी एक आर्टिस्ट है, वो आर्ट की कद्र करते हैं, इसलिए वो दोबारा आए। और यही हमारी जो हिंदी इंग्लिश वाली स्क्रिप्ट राइटिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, एक दिन दो दिन आते हैं और चले जाते हैं। अब जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ आज की क्लास में इम्पोर्टेंट है, देखिए हम कोई भी काम करते हैं पहले अपने दिमाग को और वो क्या काम कर रहे हैं वो हमें पता लग जाए, उसके बाद काम करो। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो इस क्लास से संबंधित है कि अगर आप ये एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करने के लिए आए, जैसे हमारे इंग्लिश वाली क्लास में इतने सारे लोग आए थे शुरुआत में, इतने सारे, और मैं खुद इतना एक्साइटेड था कि अरे आज तो 15 लोग आ गए, आज तो 16 लोग आ गए, और उनमें से ज्यादातर लोग क्वेश्चन कर रहे थे, किसी का कॉपीराइट को लेके इशू था, किसी का इशू था कि मैं कैसे डायरेक्ट राइटर बनूंगा, किसी का क्या इशू था, ये ऐसे छोटे छोटे इशू लाके और एक एक क्वेश्चन करके करने के लिए ये क्लास नहीं है। तो ये क्लास अगर आप आ रहे हैं, अगर आप आ रहे हैं, ये जरा साइलेंट कर दीजिए इसको, इसको साइलेंट कर दीजिए, आपका म्यूट कर दीजिए, आपके नीचे ये माइक लगा हुआ है ना, इसको माइक को चौहान जी ये करिए, इसको दबाइए, हाँ हो गया म्यूट, ठीक है हो जाता है, नई नई चीजें है समझ में देर से आती है। तो ये एक दो क्वेश्चन करके आप सेटिस्फाइड होकर चले गए ये क्लास में आके कि मेरे को कॉपीराइट कैसे कराना है, मैं राइटर एसोसिएशन का मेंबर का है, उसके लिए ये क्लास नहीं है। क्योंकि हमारी जो क्लास है ये लाइव क्लास है, इसमें हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, हमारा एक सर्कल भी तैयार हो रहा है राइटर्स का, मैं आपको जो बता रहा हूँ उससे आप भी सीख रहे हैं, और मैं जो आपको कई चीजें नहीं बताऊंगा उससे मैं भी सीखूंगा, और एक डिसिप्लिन है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है बीइंग ए राइटर, एक डिसिप्लिन है। कुछ वर्षों के लिए जब मैं राइटिंग के काम से अलग हटा, क्योंकि मुझे कुछ अपने फैमिली के काम करने थे, पर वो कुछ एक छोटा सा 2-4 साल का शायद अंतराल होगा, और थोड़ा सा मन भी दुखी हो गया था किसी कारण से, पर जब मैं वापस आया 5 साल पहले, तब से लेके अब तक मैं कॉन्टिन्यूसली राइटिंग का काम कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूसली स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। आई थिंक 5 सालों में शायद 6 मूवीज की स्क्रिप्ट लिखी होगी, एक वेब सीरीज की, और बहुत सारी स्क्रिप्ट ऐसी हैं जो 25-25, 30-30 पेज तक लिखी है। क्योंकि मैं दो तरह से काम करता हूँ, एक तो मैं एक स्क्रिप्ट उठाता हूँ और उस पर कॉन्टिन्यूस काम करता हूँ, और उसके साथ कुछ आइडियाज आते हैं तो उनपे 2-2, 3-3 स्क्रिप्ट को धीरे धीरे करके डेवलप करने लगता हूँ। और मेरे हिसाब से एक स्क्रिप्ट राइट करके रख दो और उसको 10 साल बाद देखो, मेरा अपना तजुर्बा ये है, 5 साल बाद देखो, 10 साल बाद देखो, तब भी वो आपको उतनी फ्रेश लगेगी, अच्छी लगेगी, और आपको कई बातें समझ में आएगी। एक स्क्रिप्ट एक बहुत बड़ी अच्छी एक्ट्रेस थी तो उनको जो भेजी थी वो 2005 की स्क्रिप्ट थी, और वो मैंने उनको भेजी है 2017 में आई थिंक, तो कितना समय हुआ, 12 साल बाद, लगभग 12 साल बाद उनको मैंने वो स्क्रिप्ट भेजी थी। मैं आपको बताता हूँ, जो ट्रांसफॉर्मर मूवी है, अब ट्रांसफॉर्मर सीरीज 2007 में बननी शुरू हुई है, और वो जो मूवी है कितनी एक साइंस फिक्शन फिल्म है, उसके अंदर वो टेक्नोलॉजीज यूज हुई है जो जिस समय वो स्क्रिप्ट लिखी गई उस समय शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना डिजिटल रेवोल्यूशन आ जाएगा, कि ट्रांसफॉर्मर जैसी फिल्म इतनी रियलिस्टिकली लगने वाली फिल्म भी बनेगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो फिल्म की स्क्रिप्ट 1984 में लिखी गई थी, जिस समय कंप्यूटर्स ग्राफिक्स आने ही शुरू नहीं हुए थे। जो राइटर उस समय लिख रहा था, आप देखिए जो वॉर ऑफ द वर्ल्ड है जिस नॉवल के ऊपर है, वो 100 साल पुराना नॉवल है, हालांकि उन्होंने उस समय फिल्म की स्क्रिप्ट के रूप में नहीं लिखा था, नॉवल के रूप में लिखा था। लेकिन आपको ये डिसिप्लिन बनाना है और रेगुलर राइटिंग वर्क करना है, और जैसे मैंने पहले बताया कि रेवेन्यू का जनरेशन कहीं और से आपको लेकर आना है। ये एक आर्ट फॉर्म है, आप पेंटर हो, आपको 20 साल लग जाएंगे आपकी आर्ट फॉर्म। विंस गिलिगन, क्रिएटर ऑफ ब्रेकिंग बैड वेब सीरीज में दुनिया का
सबसे बेहतरीन माना जाने वाला जो वेब सीरीज है ब्रेकिंग बैड है, जिसके आधार पर बहुत सारे सीरीज बने हैं। बाद में विंस गिलिगन ने 40 की उम्र के अंदर ब्रेकिंग बैड बनाया और वहां पर वो लोग 16 के बाद जुड़ जाते हैं स्टूडियोज के साथ, और 16 की उम्र में जुड़ने के बाद आप 40 की उम्र तक गए तो 24 साल काम करने के बाद आपने कुछ ऐसा बनाया जो कि अच्छा बना। कई लोगों की शुरुआत भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर अच्छी शुरुआत होने के बाद उन्होंने कहीं से कुछ आइडियाज ले लिए, कुछ मिल गया और वो चल गया, लेकिन वो फिर वो घोड़ा उनका बैठ जाता है। फिर या तो उनको घोड़े को और तैयार, दिमाग के घोड़े को और तैयार करना पड़ता है, और तेल देना पड़ता है, और मसाज करनी पड़ती है, और वर्क रिसर्च वर्क करना पड़ता है, तब जाके उनकी फिर जो राइटिंग की कला है वो, या डायरेक्शन, और ये सिनेमेटोग्राफी और पेंटर, हर आर्ट के अंदर ये चीज है कि आपको अपनी आर्ट को खुराक देती रहनी पड़ेगी। तो अभी कई लोग आ गए, तो जैसा मैंने बताया पिछली क्लास में जो मैंने बताया था, आप वो वीडियो देखना, किसी प्रॉब्लम से अपलोड नहीं हो पाया, आज हो जाएगा। एक कि आपको जो अपने आइडिया डेवलप करना है, हम टेक्निकल में बाद में जाएंगे, मैं टेक्निकल में तो जाऊंगा ही नहीं, और खास करके अपनी हिंदी क्लास में अगर मैं टेक्निकल में गया तो कोई राइटर कभी बन ही नहीं पाएगा। मैं इंग्लिश क्लास में भी टेक्निकल में गया ही नहीं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि टेक्निक की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज तो बात की बात है, उस लैंग्वेज का पर्पस या उन डेफिनेशन टर्म्स का जो पर्पस है वो है समझाना कि बात समझ आई कि नहीं आई, दिमाग में खाका बैठा कि नहीं बैठा। तो इसलिए मैं उस पर बाद में जाऊंगा। तो सबसे पहला चीज कि आपको जो आइडियाज लेने हैं लो बजट लो, शुरुआत में कॉमेडी और ड्रामा पे वर्क करो। दूसरा ये कि अपने लोकल आइडियाज के ऊपर वर्क करो, अपने लाइफ के ऊपर वर्क करो, कॉपीराइट का इश्यू ना हो, कहीं से अभी मत उठाओ। तीसरा जो मैंने आज आपको बताया इम्पोर्टेंट बात, वो ये है कि बीइंग एन राइटर आप अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहीं से और से लेकर आओ, डिपेंड मत हो। चौथी बात, लेकिन डिसिप्लिन में रहो, या तो इंडस्ट्री में काम करो और नहीं काम कर रहे, नंबर एक खूब दबा के देखो, और इंडियन कंटेंट कम देखो, फॉरेन कंटेंट ज्यादा देखो। इंडियन कंटेंट देखने का मतलब है सेकंड रेटेड कंटेंट देख रहे हो, ये सारे जितने भी इंडियन कंटेंट बना रहे हैं सब लोग इंग्लिश के, फ्रेंच, जर्मन, ये वो देख के अडेप्ट करते हैं, क्योंकि अभी भी उनके अंदर राइटिंग की कला नहीं आई है। तो बहुत कम लोग हैं, ऐसा नहीं कि सारे नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो अच्छा लिख पाते हैं। तो इसलिए उस कंटेंट को, इंडियन कंटेंट देखो, कंपैरेटिवली देखो, लेकिन क्योंकि अब मान लो आपने इंडियन कंटेंट से सीखा, फॉर एग्जाम्पल आपने इंडियन कंटेंट देख, अभी जैसे मेरे को एक किसी ने बताया था, वो गुजरात जयेश थे, तो उन्होंने मेरे को बताया था, उन्होंने एक फिल्म देखी थी, तमिल फिल्म थी जो डब होके हिंदी में आई हुई है, और वो फिल्म रणजीत है हमारी इंग्लिश क्लास में आसाम से, उसने भी देखी, और जिस दिन उसने बताया रणजीत ने भी कहा हाँ बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है। फिर एक तमिलनाडु से मिस्टर गोपी, उन्होंने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है। अब उन्होंने मेरे को इतना कर दिया, मैंने कहा चलो मैं भी देखता हूँ, और मैं नहीं देखता, बहुत कम देखता हूँ सेकंड रेटेड। भाई देखो मैं क्या हूं, मैं तो 98 से अब तक 23 साल से इस फील्ड में हूं, ठीक है, तो मेरे लिए तो ये बिजनेस भी है और मैं आर्टिस्ट भी हूं, तो मेरे को तो परख है, कहते हैं जोहरी हीरे की परख रखता है। तो मैं पोस्टर देख के, एक दो सीन देख के भी मेरे को पता लग जाता है कंटेंट क्या है। एक कनाडा के डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर हैं जेफ डेवरेट, और वो कहते हैं कि जब मैं कांस जाता हूँ, हम लोगों का तो सपना है कि हम लोग कांस फिल्म फेस्टिवल में जाएं, या अमेरिकन फिल्म मार्केट में जाएं, अमेरिकन फिल्म मार्केट में जाएंगे, लाखों रुपए की फीस, लाखों रुपए का खर्चा, रहना, और हम अगर कांस फिल्म फेस्टिवल में जाएंगे तो हमारे, अरे हम कांस फिल्म फेस्टिवल में जा रहे हैं, लाखों रुपए हमने खर्च कर दिया, हम वहां फिल्म देखे वो। तो जेफ डेविड कहते हैं मैं किसी सिनेमा हॉल में जब मैं फेस्टिवल में जाता हूँ, और ही इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटर, मैं 10 मिनट से ज्यादा फिल्म नहीं देखता, क्योंकि भैया मैं 20 साल से मेरा काम ही डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो मैं क्यों 10 मिनट से, अगर मैं 10 मिनट से ज्यादा किसी, जैसे मैं को फिल्म खरीदनी है और मैं जाके हॉल में बैठा हूं, और अगर मुझे 10 मिनट से ज्यादा उस फिल्म को देखना पड़ा तो इसका मतलब वो फिल्म में गड़बड़ है। और उनका पॉइंट सही है, नेटफ्लिक्स कहता है, जो नेटफ्लिक्स के एग्जीक्यूटिव है वो कहते हैं कि एक जब आप बहुत अच्छे एक वॉचर बन जाते हो, बहुत एविड वॉचर बन जाते हो, 5 सेकंड से ज्यादा आप नहीं देखते, शफल करते हो देखते हो, तो आपका भी एक फैकल्टी डेवलप हो जाती है। तो इसलिए मेरे को अगर कुछ अच्छा लगता है तो मैं देखता हूँ इंडियन कंटेंट। तो उन्होंने जब बोला
और मेरे को उन्होंने बोला, मैंने बहुत टाइम बाद वो मूवी देखी। अब उस मूवी में था क्या, एक तो एल्फ्रेड हिचकॉक की उन्होंने साइको उठाई, एक उसने इट चैप्टर टू उठाया, दोनों को मिला के एक फिल्म बना दी। और मैंने फिर जयेश जी से पूछा, आपने इट चैप्टर टू देखा? उन्होंने कहा नहीं देखा। मैंने कहा इसने दोनों को उठा के मिला के एक फिल्म बना दी, आर्ट डेरिवेटिव है, हम जो देखते हैं, मैं कह रहा हूं आप देखो, खूब देखो, देख के सीखना, सीख कर अपनी कला को विकसित करना और उसमें इन्फ्लुएंस आना वो अलग चीज है, लेकिन उठा के मिलाना वो अलग चीज है। तो ये दोनों चीजों में फर्क है, उठा के मिला के आप इजीली बना सकते हो, लेकिन उससे आपकी कला डेवलप नहीं होगी। तो आपको अपनी लेखन कला डेवलप करनी है। तो अगली बात जो आज की क्लास की इंपॉर्टेंट है राइटर बनने के लिए, नेटफ्लिक्स पे ज्यादा हिंदी के अंदर डब्ड कंटेंट है। हमारा एक चैनल है, मेरा एक चैनल है मूवी ट्रोल एंड नेटफ्लिक्स रिव्यूज, उसमें बहुत सारे हिंदी के कंटेंट के रिव्यूज हैं, लगभग 50 या 60 ऐसा कंटेंट जो हिंदी में अवेलेबल है, आप वो जरूर देखो। पायरेटेड मत देखो, इन्वेस्टमेंट करके देखो। चार लोग मिलके अगर नेटफ्लिक्स देखते हैं तो सिर्फ 200 रुपया पड़ता है, और अगर मोबाइल पे इस्तेमाल करते हैं 200 रुपया महीने पड़ता है। राइटर बनो चाहे आप ऑडियंस में हो, मैं इस बात में, इस बारे में मैं पहले बहुत लास्ट में आके मैंने इंग्लिश क्लास में बोला कि प्लीज पायरेटेड अवॉइड करें, ये एक नई डेवलपमेंट है, ये डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट है सिनेमा के अंदर। तो ये ना सिर्फ आपको एक अच्छा एंटरटेनमेंट देगी एज एन ऑडियंस, बल्कि आपके बच्चों को और आपको बहुत बड़े लेवल पर लाखों की तादाद में ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाला है, जो आज तक हमें टिपिकल इंडस्ट्री से नहीं हो पाया। तो अब ये इसको ये मत देखो कि नेटफ्लिक्स अमेरिका का है या वो यहाँ का है वहां का है, आप अमेजन को देखो कितने बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है। आप माइक्रोसॉफ्ट की वजह से देखो या मोबाइल्स की वजह से देखो, ऐसे नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि अमेजोन प्राइम में वो किसी ने बताया कि वो एक्सेप्ट कर रहा है, पहले वो लोग आइडियाज डायरेक्ट एक्सेप्ट करते थे, तब से कुछ साल हुए हैं और कुछ सालों के अंदर वो इतने बड़े लेवल पे डेवलप हो गए हैं, तो ये एक अमेजिंग है। और हमारे इंडियन आर्टिस्ट देखो आप, इंडियन आर्टिस्ट भी कितने सारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। तो प्लीज पायरेटेड ना लें, सिर्फ 1,000 रुपये आई थिंक अमेजोन का है, उस पर इन्वेस्ट करें, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट इन टू द फ्यूचर। और बड़े शर्म की बात है कि कई लोग मैंने देखे हैं जिनकी हजारों में सैलरी है और वो वेबसाइट से ढूंढते रहते हैं कहीं से उनको वो मिल जाए, पासवर्ड मिल जाए, ये बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि आपको डेवलप करना है। आप 50,000 रुपये का टीवी लेते हैं, खाली टीवी तो कोई काम नहीं आता। तो सबसे पहले अब जो मेरा अगला पॉइंट है, मैं उस पर आ रहा हूं और वो इससे रिलेटेड है, नैतिकता और मोरालिटी। आप जब काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, और ये हमने अपने गुरुओं से सीखी, और विशेषकर जो हमारे थिएटर के गुरु थे यासीन खान जी, अभी वो दुनिया में नहीं है, उन्होंने हमें हमेशा एक चीज सिखाई कि अपनी नीयत सही रखो और अपना कैरेक्टर सही रखो। तो जब आप काम कर रहे हो कोई चीटिंग नहीं, बिल्कुल लॉयल रहकर काम करोगे तभी आपकी आर्ट डेवलप होगी। एक आर्टिस्ट की सोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिना गुड सोल के आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। आप सिर्फ ये सोचो कि हमें सिर्फ शुक पैसा आ जाएगा, तो कोई भी आज तक राइटर बड़ा व्यापारी या बड़ा पैसे वाला नहीं बना है। आप कमा सकते हो, अपनी क्रिएटिव जो आपकी भूख है उसको सेटिस्फाई कर सकते हो, लक चल सकता है, आपकी मेहनत की वजह से हो सकता है कि आपको पैसा भी आ जाए, कुछ लोगों को आया भी है। और अब जो जिस तरह से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अब मान लो आप अच्छा कर रहे हो और बीइंग ए राइटर आप रिकॉग्नाइज होते हो, तो आपको मैं बता दूं गल्फ कंट्रीज के अंदर बहुत बड़े बड़े फंड्स बने हैं पिछले कुछ सालों में, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इनमें आ रही है, पर उसके लिए आप में टैलेंट होना जरूरी है। तो अपनी आत्मा को, अपने आप को स्वच्छ रखते हुए आप काम करो। एक और बात मैं बताऊंगा, सेकंड क्लास है प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है। किसी ने मुझे फोन किया, इस चीज को आप समझिए, पहली बात अगर आप नेटफ्लिक्स पे जाएंगे वो कहेंगे हम अनसॉलिसिटेटेड स्क्रिप्ट नहीं लेते हैं। इसका मतलब यह है कि वो स्क्रिप्ट सिर्फ अपने एजेंट्स के थ्रू लेते हैं, या फिर वो स्क्रिप्ट लेते हैं अपने एडवोकेट्स है, कुछ लॉयर्स है उनके थ्रू। तो
तो किसी को भी आप एकदम से ऐसे अप्रोच बिल्कुल मत करो कि मेरे को किसी का फोन आया कि मेरे फोन क्या है, किसी ने मेरे को स्क्रिप्ट भेज दी और मैंने तो उसे खोल के भी नहीं देखा और व्हाट्सएप पे भेज दी। प्रोफेशनली कुछ भेजना है तो ईमेल पे भेजो, अनलेस एंटिल कोई व्हाट्सएप पे बोले, ऑलवेज आस्क फॉर द ईमेल। दूसरा ये, किसी को ऐसे कुछ ना भेजो, पहले कांटेक्ट बनाओ, सामने वाले को लगेगा कि भैया आपके पास है तो उससे पूछो कि मेरे पास ऐसा है, आपको भी लेना है या नहीं लेना है, अगर वो बात करे तो बात करो। और इम्पोर्टेंट चीज, ये बात सबके लिए, मेरे अंदर भी होगी, कभी मेरे घर वालों ने मुझे सुधारा होगा, बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं। बात करते हो किसी से भी प्रोफेशनल, से किसी ने फोन किया मुझे कहा आप मेरी स्क्रिप्ट भेजिए, आप फला फला एक्टर को ले लो फिल्म बनाओ, मैंने कहा कि मैं फला फला एक्टर को लो लेकर आप जुड़ो, और मैंने कहा कि भाई क्या जुड़ू मैं, आप मुझसे क्या चाहते हो, मुझसे क्या चाहते हो कि मैं राइटर का काम करूं, डायरेक्टर का करूं, प्रोड्यूस करूं। और मैंने साफ बोला मैं अभी कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा, मेरे पास कोई फाइनेंस नहीं है, प्रोड्यूस करना है तो आपको फाइनेंसर लाओ या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आओ जो कि OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर सके। तो वो कहते हैं मेरे पास नहीं है। अब आप कह रहे हैं आप इस एक्टर को लेके बनाओ, कि आपके पास उन एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके पास। तो इस तरह से हवा में बातें करके किसी को प्रोफेशनल को अप्रोच ना करें, पहले अपने काम को डेवलप करें, अपने आप को डेवलप करें, धीरे 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 संपर्क में आए। और फिर वह मुझसे कहते हैं कि आप वही निखिल सबलानिया बोल रहे हो जो इंग्लिश में जिनकी क्लासेस हैं, मैंने कहा हाँ हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने कहा मुझे आपकी स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे मतलब मेरे को क्या क्या पढ़ूँ आपकी स्क्रिप्ट, आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, आप क्लास में आए नहीं, मैं वो पढ़ूंगा जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कोई असाइनमेंट दिया है तो वो मैं पढ़ूंगा ना, अभी मैं आप तक लेके मैं क्यों पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा कुछ अभी ऐसा प्रोजेक्ट है ही नहीं, आ ही नहीं रहा। अगर मुझे पढ़ना है तो मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ूंगा जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले या मैं स्टूडेंट्स को सिखाने को। और फिर वो कहते हैं आप वही निखिल सबलानी हो। तो इस तरह से जो बदतमीजियां होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जो किया वो गलत है, पर वो नादान हो सकते हैं, आपसे भी नादानी, कई बार नादानी में भी चीज हो सकती है, पर क्योंकि मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आप सबको ये बात बताऊं कि प्रोफेशनली काम करते हुए इस तरह से बातें किसी से नहीं करिए। प्रोफेशन में बहुत कम होता है कि मैंने उनको सीधा अपना नंबर दिया, कोई आपको अपना नंबर नहीं देता है, मोबाइल नंबर, मेरा नंबर तो इतना ओपन है क्योंकि मुझे तो बात करना अच्छा लगता है, लेकिन बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है और किसी को भी पसंद नहीं आएगी। तो आप जब भी प्रोफेशनल बन रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर प्रोफेशनल बन भी जाए, हो सकता है कि आपके पास स्क्रिप्ट हो जो आपको लग रहा हो, हो सकता है कि वाकई में वो स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो, इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छी हो, लेकिन सब बात है एक तरफ और तमीज एक तरफ होती है लाइफ के अंदर। ये एक चैप्टर को आप कहते हैं ना इज्जत और प्यार से जो आप काम करा सकते हो, ले सकते हो, वो आप दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। तो इसका सब ध्यान रखें, मेरे से भी कई बार बदतमीजियां होती होंगी और मैं उनको सुधारता हूं। तो चलिए क्लास पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपको रेवेन्यू जनरेशन करना है, आपको लोकल आइडिया उठाने हैं, अपने ऊपर आइडिया उठाने हैं। अब मैं एक बात पे आता हूं और वो है कि दो चीजें हैं। एक तो हम एक स्ट्रक्चर हमने फिल्मों से उठाया हुआ है, और दूसरा अब हमारे, क्योंकि इंडिया में अभी हाल फिलहाल में शुरू हुई है, हम काफी पीछे छूट गए थे, वो है वेब सीरीज। फिल्मों का स्ट्रक्चर, स्टोरी स्ट्रक्चर मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, डिटेल में जिसको जाना है अनगिनत वीडियो होंगे, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि लिखते समय वो शॉर्ट फ्रेमवर्क, आपका जो फ्रेमवर्क है वही काफी है, ठीक है। और इस फिल्म की स्टोरी को फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि वेब सीरीज में हम कैसे डेवलप करेंगे। आपने स्टोरी उठाई, आइडिया उठाया, आइडिया देख लो जैसा मैंने बताया उस हिसाब से सपोज। तो फिल्म के अंदर क्या चलता है कि आप 2 घंटे की फिल्म है, इस तरह से उसकी टाइमिंग को हम बांट देते हैं कि 30 मिनट की टाइमिंग हम रखते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, कि आपके जो मेन आर्टिस्ट है
अभी ये ध्यान रखना कि बहुत सारे आर्टिस्ट घुसा के ना तो फिल्म लिखनी है, मेन कैरेक्टर कौन होता है फिल्म्स में, एक या दो कैरेक्टर उससे ज्यादा नहीं, और वेब सीरीज में 5-6 कैरेक्टर मेन कैरेक्टर उससे ज्यादा नहीं। खिचड़ी पका दोगे, अम्ब्रेला एकेडमी है तो, पर वो उतनी खिचड़ी के लिए फिर सब्जेक्ट भी उतना बड़ा होना चाहिए, और बड़े सब्जेक्ट में प्रोडक्शन भी बड़ा होना चाहिए, फाइनेंस बड़ा होना चाहिए, और साथ में इम्पोर्टेंट बात कि बड़ा फाइनेंस या बड़ा प्रोजेक्ट बड़े राइटर के थ्रू आता है, कोई न्यू कमर राइटर के थ्रू नहीं आता है। तो आप न्यू कमर राइटर और बड़ा प्रोजेक्ट लिख भी रहे हो तो आपसे कोई नहीं लेगा, हाँ जब बड़े बन जाओगे तब कोई लेगा। तो आपने अपना आइडिया उठाया, अभी फिल्म से शुरुआत करते हैं, और मैं आपको वेब सीरीज की जहां पे इंपॉर्टेंस वही बताऊंगा। मिनिमम कैरेक्टर रखो फिल्म में, हमारा मुख्य किरदार जिसे इंग्लिश में प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं, और उसका जो विपरीत किरदार होता है जिसे हम विलेन बोलते हैं या एंटागनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज होती है इंटरनल नीड, किसी भी व्यक्ति की इंटरनल नीड। ये जो इंटरनल नीड होती है, आंतरिक नीड होती है इंसान की, वो आंतरिक नीड ही व्यूअर के सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करती है। जब हम कुछ प्रोग्राम देखते हैं, चाहे फिल्म देखे चाहे टीवी देखे, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं ब्रेकिंग बैड वेब सीरीज का। ब्रेकिंग बैड वेब सीरीज में हमारा जो मुख्य, सबसे मेन मुख्य आर्टिस्ट है वो है वॉल्टर, वॉल्टर वाइट। वॉल्टर वाइट एक केमिस्ट्री का टीचर है। वॉल्टर वाइट को नोबल प्राइज के लिए नॉमिनेशन हुआ था। वॉल्टर ने किसी समय अपने दोस्तों के साथ, एक दोस्त और एक उसकी गर्लफ्रेंड थी, आई थिंक उसका नाम रेचल, एनीवे, तो वो उनके साथ मिलके उसने कंपनी बनाई ग्रे मैटर नाम की, और बाद में उसने अपना शेयर किसी कारणवश, मैंने फोर्थ सीजन तक आया तब तक रीजन नहीं बताया, पर उसने किसी कारणवश अपना जो शेयर था वो अपने दोस्तों को दे दिया और वो कंपनी से अलग हट गया। आज उसके बेटा है जो कि थोड़ा सा विकलांग है, 50 की उम्र है उसकी, और वॉल्टर की पत्नी अनएक्सपेक्टेडली प्रेग्नेंट हो गई है। उसकी पत्नी का नाम है स्काइलर, और स्काइलर एक राइटर बनना चाहती है। अब वॉल्टर जो कहने को तो असल में अगर वो कंपनी का हिस्सा होता तो वो कंपनी आज बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, तो वो बहुत अमीर होता। अगर उसे नोबल प्राइज मिल गया होता तो वो, नोबल प्राइज उसे मिल गया होता तो वो किसी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े लेवल पे पढ़ा रहा होता, पर वो बेचारा बहुत टैलेंटेड होने के बाद भी एक केमिस्ट्री टीचर बना हुआ है, और खर्चे उसके घर के भी पूरे नहीं हो पा रहे, और वो खर्चे करने के लिए कार की वॉशिंग का काम करता है। अब हमारे यहाँ तो टीचरों की बहुत अच्छी सैलरी है, लेकिन कई जगहों पे अभी भी कम है, जो टेम्परेरी टीचर होते हैं तो उनको करना पड़ता है कई बार वहां पर अमेरिका में पार्ट टाइम जॉब। तो वॉल्टर की स्थिति क्या है ये सब हमें पहले ही एपिसोड में पता लग जाता है, और जो पहला एपिसोड आपका वेब सीरीज का होगा उसको आप अपनी फिल्म का पहला एंडिंग से पहले का हिस्सा मान ले, और उसके बाद कैसे वेब सीरीज चेंज होती है और फिल्म कैसे होती है मैं बाद में आऊंगा। तो पहले मैं जो आपको समझा रहा हूं वो आप इंटरनल नीड समझिए, क्योंकि अगर वो समझ नहीं आई तो आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और हमें स्टोरियां तो बहुत हैं, हमारे पास हजारों सालों से बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है। कुछ टर्किश हिंदी के अंदर नेटफ्लिक्स पर आप देखेंगे तो टर्किश सीरीज है, जैसे एक है द प्रोटेक्टर और एक है द गिफ्ट, जो मैंने देखी है, प्रोटेक्टर और गिफ्ट दोनों देखना, बहुत अच्छी है, प्रोटेक्टर ज्यादा अच्छी है, लेकिन स्टोरी एलिमेंट ज्यादा है तो मेरे को तो नींद आ जाती है स्टोरी से। कैरेक्टर्स आपको जागृत रखते हैं देखने के लिए, और फिल्म जैसे मैं बोल चुका हूँ फिल्म चली गई है, टाटा बाय बाय, एक फॉर्मेट की तरह रहेगा, रहेगा फॉर्मेट जाएगा नहीं, बट धीरे धीरे लोग वेब सीरीज और लॉन्गर पैटर्न देखना शुरू करेंगे। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि लोगों ने ही कई कई साल चलने वाले टीवी शोज भी देखे हैं, और जब एक बेहतरीन वेब सीरीज उनके सामने आएंगी तो ऑब्वियसली वो देखेंगे, टाइम निकाल के देखेंगे।
तो अब वॉल्टर का क्या हाल है कि वॉल्टर के पास पैसे नहीं है। वॉल्टर का एक बच्चा जो है, लड़का जो है 16 साल का, उसका नाम है वॉल्टर जूनियर, वो बेचारा विकलांग है। बीवी राइटर बनना चाहती है, पैसे नहीं है, कार वॉश करनी पड़ रही है, स्कूल में पढ़ा रहा है, मिलता उसे केमिस्ट्री में नोबल प्राइज और स्कूल में उसके बच्चे ढंग से सुन नहीं रहे। तो शुरुआत में हम देखते हैं पढ़ा रहा है, एक लड़का लड़की बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, कार वॉश कर रहा है, जब कार वॉशिंग सेंटर में तो स्टूडेंट्स आते हैं अपनी कार वॉश करवाने, वो उसे देख रहे हैं, वो उसको फोटो खींच रहे हैं और न्यूज बन रही है कि हमारा टीचर तो कार वॉश कर रहा है। तो वॉल्टर की इंटरनल नीड क्या है? चरित्र निर्माण, किरदार का निर्माण करना आज की डेट में वेब सीरीज राइटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्म्स में चरित्र निर्माण की इतनी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन वेब सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि साइंस फिक्शन वेब सीरीज है, फ्यूचर वेब सीरीज है, उसमें इतना नहीं चलता। स्टोरी पे आप, स्टोरी भी चलती है, इसलिए वेब सीरीज ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि फिल्म्स में तो हम स्टोरी से काम चला लेते हैं, लेकिन वेब सीरीज में आपको स्टोरी भी चाहिए और आपको किरदार का निर्माण भी करना चाहिए, आना चाहिए। और किरदार का निर्माण करने के लिए आपके पास सबसे पहले जो मैंने आपको चीज सिखाई है, अपनी नीयत साफ रखना। क्योंकि जब आप अपनी नीयत साफ रखेंगे तो सबसे पहले तो आप ये साफ रखेंगे मन में कि हमें चुराना नहीं है, हमें सीखना है। और जब आपके मन में आएगी बात हमें सीखना है, तो आप सीखोगे, आप देखकर चीजें सीखोगे, आप पढ़कर चीजें सीखोगे, या आप ऑनलाइन क्लासेस से या अपने जीवन के अनुभव से, जैसे भी आप सीखोगे। और जब आप सीखोगे तो आप मनुष्य के मनोविज्ञान को समझोगे, उसके सामाजिक मनोविज्ञान को समझोगे, उसकी परिस्थितियों को समझोगे। आप एक व्यक्ति के अंदर, उसको इंग्लिश में एक वर्ड होता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप होता है कि मान लो कि जिसने चश्मा पहना, वो हमने कह दिया भाई चश्मा पहनने वाला तो पढ़ाकू होगा। हालांकि हम जब दिखाते हैं किसी किरदार को चश्मा पहना के, उसे हम पढ़ाकू दिखा सकते हैं, लेकिन अब आपको वो स्टीरियोटाइप तोड़ के हर इंसान के लाइफ के अंदर जाना है और उसको समझना है। तो ये जो हमारा किरदार है एक वॉल्टर, उसकी बेचारे की इंटरनल नीड क्या है कि उसको ह्यूमिलेशन होती है। ह्यूमिलेशन मतलब उसको, उसे गिराया जाता है जगह जगह, और इसकी वजह इतना गिर गया है वो कि अब फैमिली है, फैमिली को पालना है तो जॉब नहीं छोड़ सकता, खर्चे बहुत हैं तो कार वॉश करनी पड़ रही है, वहां पे दिमागी रूप से 2 कौड़ी का जो उसका मालिक है उससे उसको डांट खानी पड़ रही है, दिमागी रूप से वो इंटेलिजेंट है, कोई उसका स्टूडेंट उसको सीरियसली नहीं ले रहा, पर उसे उन नलायक स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ रहा है जो अमीर माँ बाप की औलाद है, जो सिर्फ शौक या तौर पर अपने बच्चों को भेजते हैं या एक स्टैंडर्ड के लिए भेजते हैं। तो ह्यूमिलेशन होना, और वो एक डॉर्मेंट हो गया है। डॉर्मेंट मतलब कि वो, उसने अपने आप को सुला दिया। उसके अंदर एक साइंटिस्ट था, उसके अंदर एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने वो कंपनी बनाई ग्रे मैटर, वो कंपनी बहुत बड़ी बन गई और उसके दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत रिच हो गए और उन्होंने आपस में शादी कर ली, लेकिन उन्होंने दोबारा उसको कॉल नहीं किया, ये भी उसके मन में तड़प है। तो हमें उसकी आंदरूनिक जो इंसान की नीड को मैं यहां पे शब्द दूंगा तृष्णा, कि जिसे मरने वाले की अंतिम चीज, जीने वाले की अंतिम इच्छा, मैं सबसे सबसे गहरी इच्छा क्या है, वो इच्छा आपको किरदारों की, सभी किरदारों की समझनी जरूरी है, और खास करके आपके मुख्य किरदार की, क्योंकि उसी के आधार पर आप अपना प्लॉट बनाएंगे, अपनी स्टोरी डेवलप करेंगे। अब एक और चीज, आप जब स्टोरी सोच रहे हैं, मान लीजिए आप वेब सीरीज की स्टोरी सोच रहे हैं, तो एक और चीज आप ध्यान रखिए, एक मैंने फॉर्मूला अपनी लास्ट क्लास में मैंने बनाया, लास्ट क्लास में 40 दिन बाद जो चीज मुझे समझ में आई, और मैंने एक ये फॉर्मूला बनाया, प्रोपोजिशन रखा अपने स्टूडेंट्स के आगे, और जो मैं आपको दूसरी क्लास में रख रहा हूं, आपको एक किरदार को, मैं इंग्लिश में बोलता हूं फिर हिंदी में समझाता हूं,
पुट ए नॉर्मल पर्सन इन ए नॉर्मल इन द मोस्ट अननॉर्मल अनकॉमन सिचुएशन, पुट ए एक साधारण व्यक्ति को, पुट ए नॉर्मल पर्सन इन टू द मोस्ट अनकॉमन सिचुएशन, जो सबसे ज्यादा अनकॉमन, सबसे ज्यादा विपरीत और सिचुएशन हो वहां पे उसको रख दो और देखो उसका क्या चेंज होगा। एक संस्कृत टीचर है, मान लो बिहार में आज बैंड है, शराब बैंड है, एक संस्कृत टीचर कैसे शराब के अंदर सबसे बड़ा अंडरग्राउंड सप्लायर शराब का बिहार में या किसी भी राज्य में, बिहार का नाम लिया, किसी भी राज्य में वो सबसे बड़ा अंडरग्राउंड सप्लायर बन जाता है और ऐसा उसे करना पड़ता है। तो एक किसी, जब मैं ये बात बता रहा था, ये एक्चुअली मैंने फिल्म राइटिंग से बात की, तो अस्मिता है नेपाल से, तो उन्होंने दृश्यम फिल्म का एग्जाम्पल दिया कि अ कॉमन मैन इन द मोस्ट अनकॉमन सिचुएशन, उसमें अजय देवगन को क्या है, कॉमन पर्सन होता है, अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है, किसी तरह से उसकी बेटी के साथ जो बदतमीजी या बलात्कार कुछ ऐसा होता है तो उसको मर्डर हो जाता है और उसको उसको छुपाने के लिए एक बहुत अनकॉमन सिचुएशन आ जाती है कि पुलिस वाले लगातार उसके पीछे पड़े हैं और कैसे उसको वो करना है। हालांकि वो एक तरह का क्राइम ड्रामा था, बट उससे थोड़ा सा जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था इससे आप थोड़ा सा और समझो। जैसे एक आदमी छोटा सा, उसकी जनरल स्टोर है, एक कॉमन पर्सन है, जनरल स्टोर है उसका, अब कैसे एक जनरल स्टोर वाला सपोज एमेजॉन जैसी कंपनी का एम्पायर खड़ा कर देता है, कॉमन मैन कैसे अनकॉमन बन जाता है। ये पॉजिटिव साइड में भी जा सकता है और ये नेगेटिव साइड में भी जा सकता है, वो सोचना आपका काम है कि आप अपनी स्टोरी क्या डेवलप करोगे। लेकिन ये मैंने एक फॉर्मूला डेवलप किया है कि जब आप अपनी पुरानी तरीके से स्टोरी सोचते थे कि स्टोरी यहां से शुरुआत होके फिर यहां जाती है और हम उसका एंडिंग करते हैं, तो आप ये एक सिचुएशन को रखिए कि फला फला व्यक्ति ऐसा था, सिंपल था या जैसा भी था और उसमें इतना जबरदस्त चेंज आ गया, तो वो जो बीच के उसके सरकमस्टेंसेस है, वो जो उसके बाद के सरकमस्टेंसेस है और वो जो उससे पहले के सरकमस्टेंसेस है, पहले वाले आपकी बैक स्टोरी है, बीच का और बाद का आपका मेटीरियल है स्टोरी का। इस फॉर्मूले को आप या जो भी वीडियो पे देखेंगे वो दिमाग में रखना, अभी ये आपको समझ नहीं आएगा, बहुत एडवांस फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, फॉर्मूला कहो या तरीका बताया है, तो चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। तो हम शुरू करते हैं, शुरुआत सबसे पहले फिल्म का 30 मिनट पे आज बात करूंगा, जिसे एक्ट वन बोलते हैं। एक्ट वन पहला 30 मिनट होता है, जिसके अंदर पहले 10 मिनट में आप सारे जो भी आपके आर्टिस्ट हैं, जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर दो 10-15 मिनट में, उससे ज्यादा टाइम मत लो, 10 मिनट में कर दोगे तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। उनकी फिर उसके बाद आम लाइफ दिखाओ, कई बार कई स्टोरी से में शुरुआत पे एक कुछ बहुत बड़ा दिखाया जाता है, कुछ जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया शुरुआत में, ये शुरुआती सीन से होता है कुछ अनएक्सपेक्टेड, तो वैसे भी आप फर्स्ट सीन जब आप लिखते हो तो वैसे भी आप शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद हम उनकी जिंदगियों में जाते हैं, धीरे धीरे उनकी लाइफ में जाते हैं और लगभग 30 मिनट पे एक चीज होती है कि इंसाइटिंग इंसिडेंट कहा जाता है, हुक कहा जाता है, या ये कहो कि वो समस्या, एक समस्या, ऐसी समस्या खड़ी हो गई कि भैया अब इस समस्या को हल करना पड़ेगा या इस समस्या से भागना पड़ेगा या इस समस्या से लड़ना पड़ेगा। तो जिसके अंदर मैंने स्पीड फिल्म का एग्जाम्पल दिया था कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसने कोई बॉम्ब लगा दिया बस में, और सचिकता स्पीड में ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि जब बॉम्ब लग गया और वो बस लगातार चल रही है और बस को स्लो करोगे तो फट जाएगा और एक स्पीड पे बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते, तो कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेके राइटर ने स्पीड का सोचा था। अब जैसे हम लेते हैं कि जुरासिक पार्क का एग्जाम्पल लेते हैं, हालांकि बहुत पहले देखी थी, याद भी नहीं है, तो उसमें जब वो डायनासोर्स अगर निकल गए तो वो इंसाइटिंग इंसिडेंट हो गया कि डायनासोर्स निकल गए, या टाइटैनिक के अंदर अगर टाइटैनिक टूट गया
तो वो उसका इंसाइटिंग इंसिडेंट हो गया। तो पुराने पैटर्न्स के हिसाब से तो ये जो इंसिडेंट था वो 40वें मिनट में आता था, पर अभी आप 30वें मिनट में, 28वें मिनट में, 25वें मिनट में ये एक ऐसा इंसिडेंट डालो कि आपकी कहानी की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो ये आपका फर्स्ट एक्ट होता है यहाँ पर। और उसके बाद आप सेकंड एक्ट में आओ, सेकंड एक्ट में कि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए जो आपका मेन हीरो है वो कोई कदम उठाएगा या कदम उठाएगी, लेकिन वो समस्या सॉल्व नहीं होगी। उसे लगेगा कि वो सॉल्व हो गई और वो निश्चिंत हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगी अपने आराम से कि भैया मैंने तो उसको समस्या को सॉल्व कर दी, लेकिन वो आगे चल के और ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेगी और ज्यादा बड़ी समस्या बन जाएगी। अब यहां पर आप या तो ये कर सकते हो कि वो बड़ी समस्या बनी फिर उसने सॉल्व करने की कोशिश करी, नहीं हुई, तो यहां पर कई लोग फिर आगे एंडिंग में आ जाते हैं, ये सेकंड एक्ट होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक बार समस्या बड़ी हुई तो इस तरह से डेवलप करिए आप कि ना केवल वो समस्या हुई, उस समस्या से संबंधित और दो तीन समस्या ऐसी हो गई कि इंसान पूरा घिर गया उन समस्याओं में, कि ना तो यहां का रहा ना वहां का रहा, और अब उसके आगे एक ही रहा कि भैया मैं या तो इस समस्या से भिड़ूं, इसको हल करूं, या फिर मैं भाग लूं। तो फाइट एंड फ्लाइट ये एक कॉमन रिएक्शन होता है ह्यूमन साइकोलॉजी में, अगर आप पढ़ेंगे तो सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। फाइट एंड फ्लाइट इज द मोस्ट कॉमन रिएक्शन अमंग ऑल स्पीशीज, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चूहे हो, चाहे कोई भी हो। हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में जहां पर हमारी जान पर बनाए या हमारी साख पर बनाए, तो हम या तो उस स्थिति से लड़ेंगे, भिड़ेंगे, या फिर उससे भाग जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमारी जो स्टोरी है वो स्टोरी हीरोइज्म की होती है, आप पैसिमिस्टिक दुख भरी कहानियां ना लिखे ना बनाए, ना कोई देखना पसंद करता है, ना कोई खरीदना पसंद करता है, ना कोई बेचना पसंद करता है। तो क्योंकि हीरो की कहानी हीरोइज्म की होती है, दुख तो हो गया, बिल्डिंग में आग लगी तो क्या कहानी हुई, आग तो लग गई, अब बेचारे लोग मर गए, वो तो है ही, पर कौन व्यक्ति था जिसने जाके वहां उन लोगों को बचाया, तो वो कहानी मायने रखती है, ना कि ये कहानी मायने रखती है। फिर वो तो न्यूज रिपोर्टिंग हो गई, फिर आप न्यूज रिपोर्टिंग करो अगर इतने लेवल पे आपको कहानी लिखनी है। साथ में ये बात ध्यान रखना कि जब ऑडियंस देखता है तो ऑडियंस के इमोशन जुड़े होते हैं। कई कहानी होती है जहां पर चरित्र को अंत में दुख दाई रूप से समाप्त करना, मारना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे एक 47 रोनिन नाम की मूवी है जिसमें कीनू रीव्स हैं मुख्य अभिनेता, और वो 47 समुराइज की कहानी है। वो 47 समुराई होता है जापान में, जो योद्धा होते हैं जो लड़ाई करते थे उनको समुराई कहा जाता था। तो 47 समुराई की कहानी है जो कि लड़े और जिनके साथ धोखा हुआ, फिर भी वो लड़े, लेकिन उनको फिर भी सजाए मौत मिली अपनी मर्जी से मौत चुनने की, जो कि एक समुराई के लिए अच्छी चीज मानी जाती है, लेकिन वो मर गए। ये एक क्योंकि सत्य पे आधारित मूवी थी इसलिए किरदार को मारना इम्पोर्टेंट था, लेकिन अदरवाइज किरदार को मारना आप ना करें। तो हमारे बीच अनुराधा जी भी हैं, और अनुराधा जी इंग्लिश क्लासेस में भी कई बार आई हैं और आज हिंदी क्लास में भी आई हैं, और इन्होंने कोर्स भी किया हुआ है स्क्रिप्ट राइटिंग का। तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि मैंने स्टोरी हीरो की बनानी है, हीरोइन की बनानी है, मतलब एक कार्ल गस्टव यूंग, यूंग की स्पेलिंग होगी JUNG, कार्ल गस्टव यूंग साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बुक लिखी हुई है, एनल बुक का नाम है तुमको, मैन एंड हिज सिंबल्स, और मैन एंड हिज सिंबल्स में उन्होंने अलग अलग तरह के हीरो लिखे हुए हैं, उस बुक को आप पढ़ सकते हो। नहीं भी पढ़ते तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ बींग ए राइटर तो आपको साइकोलॉजी के अंदर पर्टिकुलरली और साइंसिस के अंदर भी ह्यूमन इमोशंस वो पढ़ने चाहिए, और फिलोसफी भी पढ़नी चाहिए। फिलोसफी पढ़ने से हम अच्छी आपके जब समझने की शक्ति जो है, जब मैंने एक बुक पढ़ी, इट वॉज लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफर्स, बर्नार्ड रसल का 760 पेजेस की बुक थी, और बहुत कम था कि समझ आ रही थी, और उस पढ़े जाता, लेकिन याद कुछ नहीं रहा, लेकिन हाँ उसको पढ़ने के
बहुत समय बाद ऐसा लगा कि चीजों को देखने का जो नजरिया होता है वो बदला, और ये हाल फिलहाल की घटना है। तो इसलिए आप ये चीजें पढ़े, राइटर्स का या आर्टिस्ट का, डायरेक्टर हो आप, राइटर हो या पेंटर हो, क्योंकि मैं पेंटिंग भी करता हूँ तो उसका भी अपना अनुभव भी है, अगर आप अपने काम को छोड़ देंगे, अगर आप अपने काम को नए तरीके से नहीं करेंगे, अगर आप दूसरों के अच्छे कामों को नहीं देखेंगे, तो आपकी अपनी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ये भी आपको देखना है कि आपको देखना खूब है, पढ़ना खूब है। तो आपने इंसाइटिंग इंसिडेंट डेवलप किया 30वें मिनट में कहानी के, और उसके बाद आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। तो यहाँ पे जो ऐसी सिचुएशन, वो सिचुएशन क्रिएट करने में आपका 1 घंटा लग जाता है। तो कहानी के 31वें मिनट से आपके 90 मिनट तक, और कई फिल्में 90 मिनट की है, तो उसमें आप ये कम कर लो, उसमें 20वें मिनट में इंसाइटिंग इंसिडेंट होता है, 40वें मिनट के अंदर आपका एक्ट टू खत्म हो जाता है, 20-40-60 और आधे घंटे का आपका जो है एंडिंग चलती है उसके अंदर, और एंडिंग होती है फाइनल बैटल, मतलब कि आप किस तरह से उसको सॉल्व करोगे उस चीज को, कि आपने डिसाइड तो कर लिया है, अब सॉल्व कैसे करोगे। अब यहाँ पर एक और चीज है जो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, और ज्यादा लंबा चौड़ा उसमें घुसता नहीं है, लिखना मेन है। एक तो आपका मुख्य किरदार हो गया, और मुख्य किरदार के साथ कई बार हम उसका जो लव का पार्ट होता है वो डालते हैं, और वो मेरे हिसाब से सही है, ऑडियंस को पसंद आता है। जरूरी नहीं है, आजकल कई फिल्में बिना उसके ही बन रही है, मेल के लिए फीमेल और फीमेल के लिए मेल, और आजकल तो अलग भी मूवीज बनती है। तो वो आपको डालना है, एक बड़ी कैरेक्टर, मतलब एक आप देखते हैं दोस्त का कैरेक्टर चलता है, वो भी एक स्टाइल है, जरूरी नहीं है, पर वो आप रख सकते हैं कि वो साथी, जैसे राम के साथी हनुमान रहे, तो ऐसे एक साथी जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि कई बार मेन कैरेक्टर के पास कुछ होता ही नहीं करने के लिए, तो उनके आपस के इंटरेक्शन से, उनके आपस की जुगलबंदी, कॉमेडी, वो सब करके आप स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना लेते हो। जैसे आपने तनु वेड्स मनु देखी है, आई थिंक दीपक दोबरियाल है जो उसमें आर्टिस्ट है, जो माधवन के साथ रहते हैं, पर वहां पर एक गलती है जो आप नहीं करना, वहां पर वो जो कैरेक्टर है, जो साइड की क्या है, मतलब साइड की क्या है, वो साइड सपोर्टिंग कैरेक्टर है, मेन आर्ट वो सपोर्ट करना चाहिए, वो हाइपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट पावर आपके मेन कैरेक्टर में होनी चाहिए। अगर ब्रेकिंग बैड आप देखोगे, उसमें जेसी पिंकमैन है जो आगे चल के बहुत बड़ा कैरेक्टर बन जाता है इम्पोर्टेंट, लेकिन पूरी थ्रू आउट मैंने अब तक जो 4th सीजन में देख रहा हूं, तब तक राइटर ने जेसी पिंकमैन को, ही हैज नॉट गिवन द पावर टू टेक अवे द स्टोरी, मतलब ये हो गया कि आपको इतनी पावर नहीं देनी कि जो आपका साइड की क्या है, जो आपका जो फ्रेंड्स कैरेक्टर है, जो भी वो दूसरा कैरेक्टर है, वो स्टोरी पे हावी नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि वो खींच के स्टोरी ले जा रहा है, स्टोरी तो आपका मेन कैरेक्टर ही लेके जाएगा, और तभी स्टोरी अच्छी लगती है, क्योंकि फिर वो स्टोरी 2 बन जाती है, फिर वो 1 स्टोरी नहीं रहती, फिर वो 2 बन जाती है, फिर आप उसके लिए स्पिन ऑफ बनाओ, मतलब वो साइड वाले कैरेक्टर की स्पिन ऑफ होती है कि एक ही सीरीज या एक ही फिल्म से अलग कैरेक्टर उठा के एक अलग स्टोरी में जाओ, जैसे तनु वेड्स मनु में उसका एक स्पिन ऑफ लिख दो, दीपक दोबरियाल का आपको प्रोड्यूसर भी मिल जाएगा कि दीपक दोबरियाल की लव स्टोरी, तो वो आप मत करना। अल्टीमेट पावर जो कमांड है, जो सोड है, चाहे वो बुद्धि की सोड हो, चाहे वो रियल सोड हो, जो रियल तलवार है, वो आपके हीरो के हाथ में ही होनी चाहिए। एक और चीज, गुरु, जो हमारे रामायण में हमने देखा कि राम को विश्वामित्र ने सिखाया, वशिष्ठ ने सिखाया, अभी अमेरिका, इंग्लैंड के अंदर हम देखते हैं जो आर्थर की कहानी है उसमें मैरलिन, तो ये एक पुराना ट्रेडिशन रहा है। बुद्ध की हम कहानी देखते हैं तो उसमें उनके 6-7 मेन गुरु बताए गए हैं। तो हमारे जो जितने भी प्रिमिटिव हीरोज हैं और जो प्रिमिटिव स्टोरीज है, पुरानी प्राचीन स्टोरीज है, उसके अंदर कहीं ना कहीं गुरु का इम्पोर्टेंस रहा है। मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप मेरे से सीख रहे हैं, और मैं भी सीख रहा हूँ आपसे, लेकिन मैंने भी किसी से सीखा है, तो एक गुरु की इम्पोर्टेंस, चाहे कई बार गुरु वो माँ बाप हो, चाहे वो कुछ भी हो, उनकी इम्पोर्टेंस भी होती है, लेकिन इम्पोर्टेंस के साथ आपको ये ध्यान रखना है, अगेन लाइक साइड किक, जैसे उसका साथी कैरेक्टर है या उसकी गर्लफ्रेंड है या उसका बॉयफ्रेंड है, लड़की मेन कैरेक्टर है, तो वो गुरु कहानी को
अंदर नहीं जाएगा, वो चाहे जिए या मरे, लेकिन जो मेन बैटल है, जो मेन लड़ाई है, वो हीरो को या जो हीरोइन है मेन है उसको लड़नी है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे मैं इस नोट के साथ तो आपकी क्लास खत्म करूंगा। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग क्लास में, एक किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या क्लास में आना जरूरी है लाइव क्लास में। देखिए, लाइव क्लास में जो लोग आएंगे, मैं जो उनको असाइनमेंट्स दूंगा, वही वो असाइनमेंट्स मैं उनका ही चेक करूंगा। जो एक्चुअली ज्यादातर आपका शायद माइक म्यूटेड है, सुनाई ओके अब ठीक दे रहा है। है। हाँ, ओके, वो यस नेटवर्क यस प्रॉब्लम था। ठीक है, तो जो ये नेटवर्क प्रॉब्लम आई थी, तो मैं और कुछ इम्पोर्टेंट बात जो बताना चाह रहा हूँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या लाइव क्लास में आना जरूरी है। तो देखिए, ये क्लासेस काफी सारी यूट्यूब पे आएंगी, कुछ समय बाद रुक जाएंगी। क्यों रुकेगी? वो इसलिए रुकेगी क्योंकि जो लोग लाइव क्लास में आएंगे, मैं जो असाइनमेंट्स दूंगा वो असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनको फीडबैक दूंगा, लेकिन मैं उनको ही दूंगा, उनके ही असाइनमेंट्स एक्सेप्ट करूंगा जो लाइव क्लास में आएंगे। तो आप सिर्फ यूट्यूब के वीडियो देखेंगे और मुझे लाइव असाइनमेंट देंगे, मुझे असाइनमेंट देंगे, तो वो उनके असाइनमेंट मैं कोई नहीं लूंगा। दूसरा ये कि हाँ, एक चीज मैंने निकाली है, आप अगर, जैसे मैंने कंट्रीब्यूशन की बात करी थी, तो मैंने 1,000 रुपी एनुअल फीस रखी है, 999 रुपी। उसके अंदर आपको जो मेजर बेनिफिट होगा वो ये कि आप साल में एक वेब सीरीज या एक फिल्म, उस पर मेरी फीडबैक आपको मिलेगा अगर आप क्लास में नहीं भी आते। और दूसरा, ये प्रमोशन में आपको काम आएगा। और तीसरा ये कि अगर मैं कल को कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता हूँ राइटर्स के लिए, तो उसमें आपकी एंट्री होगी। उसका लिंक इस वीडियो के साथ नीचे यूट्यूब पे दिया होगा, या मुझसे फेसबुक पे आप ले सकते हैं, इस पे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, 852-75-33051, 852-75-33051। तो अगली क्लास में मिलते हैं, होपफुली कल भी क्लास लूंगा। और अगर कल हम क्वेश्चन, कल क्वेश्चन से शुरू होंगी, तो जो भी लोग आना चाहें, कल कोई क्वेश्चन है तो कल की क्लास क्वेश्चन से शुरू होगी। थैंक यू वेरी मच।